गुड इवनिंग। फिजिक्स की यूनिट एक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसका पहला चैप्टर क्या है यूनिट का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करते हैं भाई, जो यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स होता है भाई रेस्ट और इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। तो फिजिक्स की एक शाखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें हम उन चार्जेज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट में रहते हैं। फिर आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है भाई मोशन और इलेक्ट्रो का मतलब है सीधी सी बात है चार्ज। इलेक्ट्रोडायनेमिक फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम उन चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि किसमें है मोशन। तो यहां देखो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट और इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या है ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, हम उन चार्जेज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में, मतलब फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेज या फिर स्टैटिक चार्जेज के कारण जो चार्ज रेस्ट में है उनके कारण क्या फील्ड होगा, क्या पोटेंशियल होगा और कैपेसिटर वगैरह जो पहली यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक फिजिक्स की जो नेक्स्ट यूनिट है वो सभी इलेक्ट्रोडायनेमिक बेस है, मतलब उन चार्जेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोशन में। तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे हम ऐसे चार्ज के बारे में जो मोशन में। मैग्नेटिज्म में भी उन चार्जेज के बारे में स्टडी करेंगे जो मोशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी उन चार्जेज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि मोशन में। अल्टरनेटिंग करंट में आपको पता ही है भाई चार्ज हमेशा मूव करता है। तो शुरुआत करते हैं, देखो चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। इट इज इंट्रिंसिक या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिससे यह मैटर किसी दूसरे मैटर पे या तो फोर्स लगाएगा या फील करेगा, मतलब क्या है इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट और रिस्पोंड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई किसी भी पदार्थ का गुण जिससे कि यह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर या तो फोर्स लगाता है या फील करता है, ठीक है ना। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। सीजीएस यूनिट होती है भाई स्टैट कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम। और आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन है तो आगे प्लस और इलेक्ट्रॉन है तो आगे नेगेटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है भाई 0 कूलम। दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, व्हेन बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। भाई कोई भी बॉडी है अगर वो इलेक्ट्रॉन देगी तो उसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। भाई हम किसी को कोई चीज देते हैं तो हम पॉजिटिव है, हम पे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी चीज पे, व्हेन बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आएगा नेगेटिवली चार्ज। भाई लेने वाला हमेशा नेगेटिव, देने वाला हमेशा पॉजिटिव।